रात को इंतजार करती थी अंधेरा होने का। ये देश के 60 साल के बाद, 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को इज्जत घर बना के दिया है। कोविड काल के अंदर दो दो लोगों को दो दो इंजेक्शन, केवल देश के लोगों को नहीं, सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी का और देश का मजाक उड़ाती थी। उन्होंने 140 करोड़ लोगों को दो दो टीके नहीं लगवाए, जो देश हमारे विश्व में जो गरीब देश है उन तक उन्होंने कहा है, उसकी भी सरकार की कांग्रेस पार्टी आलोचना करती थी। मैं इतनी बात आपके सामने कहना चाहता हूं। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट जो है जनता को समर्पित होने को तैयार है, प्रथम 100 दिनों में हम समर्पित करेंगे। सामुदायिक केंद्र सिंगू गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर है, उसका हम 15 जून को अगर मुझे उत्तर पश्चिम की लोकसभा से मुझे MP बनाती है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ 15 जून को हम उसका उद्घाटन करेंगे। DDA के गांव के अंदर जहाँ वाटर बॉडी जो है पिछले सालों से खराब है, मैं हर गांव वाले की एक ही बात थी कि हमारी वाटर बॉडी का, हमारे तालाब का, उसका सौंदर्यकरण हो जाए। हमने संकल्प किया है कि हम सारी के सारी वाटर बॉडियों को, दिल्ली की सरकार तो पानी तो दे नहीं पा रही, सड़कें खुदी पड़ी है, बुरा हाल है, उसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्रियल हब का पूर्ण विकास करेंगे, व्यापार और व्यापारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। और अभी हमने किया है, DSITC ने बावना के अंदर टोल टैक्स लगा दिया। हम तो समझते थे कि टोल टैक्स जब दिल्ली से बाहर जाते हैं तब लगता है, DSITC ने बावना में लगा दिया, कोई गाड़ी आएगी तो उसको जो है वहां पर टोल देना पड़ेगा। अरे कैसा राज आ गया है ये, दिल्ली के अंदर भी टोल। तो हमने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ जाकर LG साहब के सामने बात रखी और LG साहब ने DSITC को आदेश देकर उस टोल को हटवाने का काम किया है। हम जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बहुत विकास की आवश्यकता है, बहुत विकास की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया तो अपने पास ले लिए लेकिन विकास के नाम पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं, PM उदय योजना के तहत लोगों को हमने जो अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज किया है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उस पर आकर अपनी पक्की रजिस्ट्री कराइए, उससे आपको लोन मिलेगा और आपको गारंटी मिलेगी कि आपको कोई भी एजेंसी आपको तंग नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं और मैं, प्रधानमंत्री जी ने जो एक सबसे बड़ा काम किया है, जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन 8 साल से नहीं मिल रही है, वृद्ध लोग परेशान है, ये दिल्ली की सरकार का हाल है। राशन कार्ड की बात करें, 2013 से लेकर 15 और 20 के मैनिफेस्टो के अंदर इनका मैनिफेस्टो था कि दिल्ली में राशन कार्ड बनाएंगे। आज दिल्ली के 7-8 लाख लोग के नाम राशन कार्ड में दर्ज होने के लिए FSO ऑफिस के अंदर है। अगर आज किसी के परिवार में बेटा या पोता 10 साल का है तो उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा, ये दिल्ली सरकार का काम है। एक व्यक्ति का नाम ना चढ़ने से, बच्चे का नाम ना चढ़ने से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल जो है उसका नुकसान उस परिवार को उठाना पड़ता है, उसके लिए उनको मार्केट से अधिक मूल्यों पर गेहूं लेना पड़ता होगा। नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी योजना आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में विधानसभा के पटल पर तो रख दिया लेकिन लागू नहीं किया। उसके अंदर जो गरीब लोग हैं जिनको 5 लाख का कवर, उनको गारंटी मिलती कि वह जो है इलाज कराने के लिए, और इलाज अगर उनको वो कार्ड मिलेगा तो उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में नहीं, डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में नहीं, गुरु तेग बहादुर में नहीं, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो ऐसे अस्पतालों के अंदर वह जाकर अपना इलाज करा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को तो लागू कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आज UP की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी साहब मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खट्टर जी की थी, आज नायब सैनी है, वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का कार्ड, गारंटी का कार्ड लेकर आज सरकारी अस्पतालों में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। लेकिन दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का निवासी अपने आप को ठगा महसूस करता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है 70 साल की आयु से लेकर उससे ऊपर तक का व्यक्ति, उसको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री के माध्यम से केंद्र की योजना रहेगी और उसके लिए
हर व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, गरीब हो अमीर हो, जो 70 साल की आयु का व्यक्ति है वो अपना फार्म भर के जमा कराएगा। और उसके लिए सरकार को निर्देश दे दिए गए हैं, डीएम एसडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं, और जो लोग जो एनजीओ चलाते हैं, लोग जो आरडब्ल्यू हैं, वे सब लोग ऐसे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों को इसका फायदा होगा, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी से हम समझौते के खिलाफ थे, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये उनका अपना पर्सनल एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है। लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं कि इन लोगों के मन में भी, हर व्यक्ति के मन में राजनीतिक इच्छा होती है। वो 15 साल एमएलए रहे, मंत्री रहे, राजकुमार चौहान रहे, नसीम सिंह भी एमएलए रहे, नीरज बसोया भी एमएलए रहे। अब मुझे पता नहीं ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वह जिस व्यक्ति को भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सरकार से समझौते के पक्ष में नहीं थे, ये है कारण, बीजेपी कोई कारण नहीं है। 10 साल से जो है कि आरपी का जो सांसद इसी क्षेत्र में है, क्या आप जो है कि लोगों के बीच में उन सांसदों की उपलब्धियां लेके जा रहे हैं, या मतलब कि जो है कि अपना कोई नया आपका जो है कि विजन है, अगर वो आप बताएं तो थोड़ा इसके बारे में। दूसरा ये है कि 14 जून तक जो सांसद थे वो अब आपके जो है कि अपॉजिट है, उसे आप कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर थे, और पिछले 5 साल के अंदर होम्योपैथिक अस्पताल नरेला के अंदर बना 50 बेड का, पकोली के अंदर एनआईटी बनी, सारे रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं। मैं भी आज आपको बता दूं कि वो भी दोनों सांसद जो चुने गए थे वह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता प्यार करती है। जो एनआईटी है, ये होम्योपैथिक अस्पताल है, जो ER2 है, ये जो बवाना का, ये सब हंसराज जी के कार्यकाल में तो बने हैं। अगर किसी व्यक्ति को टिकट ना मिले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 107 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 33 रोहिणी बेगमपुर में, ये भी बनने वाला है, ये बनाएंगे। सेंट्रल स्कूल तैयार है, सेंट्रल स्कूल हमारी एक बंद पड़ा हुआ सेंट्रल स्कूल, उसको भी हम सेंट्रल स्कूल भी यहाँ बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे सामने अब लड़ रहे हैं वो केवल नरेंद्र मोदी जी की कृपा से चुनाव जीते थे। कमल का फूल उनका चिन्ह था, आप गूगल पर जाकर सर्च मार लें कि वो कितनी बार चुनाव लड़े और कितनी बार उनकी जमानतें जब्त हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी थी तो इस कारण से देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो जाकर बैठ गए थे और वो चुनाव लड़ रहे। स्वागत है उनका, उनको पता लग जाएगा कि जिस समय मोदी जी के समय में उनको कितने लाख वोट मिले थे और अब कितने लाख वोट मिलेंगे, 4 जून को पता लग जाएगा। 1200 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने किया था। हमने नगर निगम में बहुत काम किए हैं, नगर निगम के अंदर, और जो केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है तो हमारे पास एक DDA ऐसी एजेंसी है, उसके माध्यम से जहां जहां DDA के काम होंगे वरीयता के अंदर गिनकर 365 दिन में क्या काम करेंगे, 100 दिन में क्या काम करेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो में बताएगा। देखिए, सबसे पहले दिल्ली के LG साहब के पास जाकर नरेला के लोगों को, एक प्रतिनिधि मंडल को, सिरसपुर बवाना और चंदी पहली मीटिंग वहां फिक्स करेंगे और मेट्रो की बात करेंगे, बात करेंगे येवरा के ऊपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, DDA के अधिकारियों को, वाइस चेयरमैन को बुलाएंगे, सारे तालाब घर जो पॉन्ड्स हैं वाटर बॉडी उसकी योजना बनाएंगे, ये सारे के सारे काम वो हम करेंगे। पिछले काफी वर्षों से लंबे मामला पड़ा हुआ है, उस वक्त कई बार जैसे उत्तराखंड भी आए तो उन्होंने भी कहा था कि हम उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उत्तराखंड के समय भी नहीं हुआ, हंसराज जी आए जब भी नहीं हुआ। तो आप जो किराड़ी फाटक की समस्या है, जहाँ पर 7-8 लाख लोग डेली आवागमन करते हैं, उनकी बड़ी समस्या है, आप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या? देखिए, किराड़ी की बात आपने कही है, हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी
वो किराड़ी के इस नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में आए थे और हमारा प्रयास था कि उनको किराड़ी लेकर जाए। 200 करोड़ रुपया हरदीप पुरी जी ने हंसराज हंस जी के कहने पर दिया था, उसका काम प्रगति के ऊपर है, आप चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। भारत सरकार का जितना भी फंड होगा, हमारे नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मेरे पास फंड की कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां भी काम होगा गारंटी के साथ काम करेंगे, गारंटी के साथ काम करेंगे। कार्य चल रहा है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, जहां पर पानी का, मैं तो जब वहां गया था तो मुझे लगा पानी का कोई यहाँ कोई बोट चलती है क्या, तो वहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर फुटपाथ वगैरह सारे बन रहे हैं, बड़े बड़े पाइप वहां पड़े हुए हैं। 200 करोड़ का कितना रुपया होता है कि मशीन से भी गिनने लगे तो टाइम लगता है, तो 200 करोड़ का काम चुटकियों में होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।